राग द्वेष आदि राक्षसानां। योगी शांति समय युक्त, योगी जो है वो इन सभी शत्रुओं का, इन सभी राक्षसों का नाश कर देता है, अज्ञान के सागर से वो पार चला जाता है और फिर वो एकदम समय युक्त है, युक्ति पूर्वक उसका मन शांत हो जाता है। ऐसे योगी को हम आत्मा रामी कहते हैं, माने आत्मा ही राम है, ये उसे स्पष्ट हो गया तो अब हम उसको आत्मा रामी भी कह सकते हैं। अब उसका राम अयोध्या में नहीं बैठा है, अब उसका राम उसका अपना आत्मा ही, इसलिए आत्मारामी है वो, आत्मारामी योगी को फिर वो आत्मारामी कहते। अब थोड़ा इसे ऐसे समझिए, हमारे देखिए हर चीज को एक नए अंग से, एक नए ढंग से देखने की कोशिश करते। एक तो रामायण शब्द, तो राम से जुड़ी क्या है, रामायण। अब हम रामायण और वेदांत को जोड़ेंगे, जिन्हें न समझ हो तो उन्हें और भी बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। अब रामायण में क्या है कि सीता जी का हरण हो गया, सीता का हरण हुआ और सीता को ढूंढने निकले कौन, राम। अब देखिए यहां राम कौन है और यहां सीता कौन है, ये समझिए। अब यहां जो साधक है, जो खोजी है, वो है राम और सीता हो गई उसकी गुम। सीता क्या है, शांति। अब ये शांति रूपी सीता को ढूंढने के लिए जब वो निकला तो राम ने क्या किया, राम ने सुग्रीव आदि वानरों की सहायता ली। अब यहाँ सुग्रीव और वानर आदि सहायता देने वाले क्या है, ये हैं आपके वो साधनाएं जो आप करते हैं। कौन, जो खोजी राम है, जो साधनाएं करता है, उन साधनाओं को हम कहेंगे सुग्रीव और जामवंत और हनुमान। हनुमान हो गए ज्ञान, जामवंत हो गए भक्ति, हाँ, और सुग्रीव जी हो गए विवेक। राम ने सहायता ली ना सुग्रीव से, तो जो साधक है वो किसकी सहायता लेता है, साधना की। वो क्या साधना करता है, वो योग करता है, वो ज्ञान लेता है, वो भक्ति करता है। फिर कहते हैं समुद्र को पार किया राम ने, राम ने समुद्र को पार किया। तो यहां वो श्लोक में पहले ही कह चुके हैं, आपके मन का अज्ञान ही समंदर है, तो जीव को इस अज्ञान रूपी समंदर को पार करना होगा। और जब ये इसको पार करता है तो करेगा कैसे भाई, उसमें कुछ पुल चाहिए ना बनाना, पुल चाहिए। पुल क्या है, ब्रह्म विद्या ही पुल है। ब्रह्म विद्या के पुल पर ये खोजी राम अपनी सीता को ढूंढने के लिए लंका में प्रविष्ट करता है। लंका क्या है, आपका अज्ञान, आपकी अविद्या ही लंका है। और रावण क्या है, तुम्हारा अहंकार ही रावण है। अब रावण को मारे बगैर सीता नहीं मिलेगी, तो जीव को अपना अहंकार मारे बगैर शांति रूपी सीता नहीं मिलेगी। फिर कहते हैं जब सीता मिल गई तो राम जी वापिस अपने धाम आ गए, अपने घर आ गए। और उनका घर कहाँ है, अयोध्या में। अयोध्या जहां कोई युद्ध नहीं, अयोध्या जहां कोई द्वंद नहीं है, अयोध्या जहां कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, तो वो अयोध्या क्या हुई, वो आपका हृदय ही अयोध्या है। अब आप वो राम हो कि सीता तुम्हारी चोरी हुई पड़ी है, तुम्हें पता ही नहीं कि सीता चोरी हुई पड़ी।
आप वो राम हो जो सीता को ढूंढने का प्रयास भी नहीं कर रहे हो, आप वो राम हो जो सुग्रीवादी हनुमान की सहायता नहीं ले रहे हो, आप वो राम हो जो अज्ञान रूपी समंदर पर ब्रह्म विद्या का पुल भी नहीं बांध रहे हो, और आप वो राम हो जो राक्षसों को मार नहीं रहे हो, बल्कि ये तो वो राम है जो रावण की और पुष्टि करता है और अभिमान बढ़ाते हो। रावण से युद्ध करना था, रावण की पुष्टि करते हो, मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास इतना घर है, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मुझे इतनी दुनिया जानती है, मैं इतना सक्षम हूं। रावण और बड़ा हो रहा है। रामायण उल्टी हो गई है। अब देखिए, आप बाहर वाली रामायण पढ़ें, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी बड़ी प्यारी है, पर जब तक रामायण का मूल जो मैसेज है, जो उसमें छिपा हुआ अर्थ है, अगर उसको नहीं समझे तो आप क्या समझे फिर? कोई राम हुआ था अयोध्या में, कोई राम की सीता थी, कोई राम की सीता चुराई गई, उस सीता को लेने के लिए वो गए और युद्ध किया और फिर वो वापिस लाए और फिर वो बड़े सुख से रहे, आपका उससे क्या लेना देना? पर अब देखिए, लेना देना बन गए। अभी तुम्हारे मन में युद्ध है कि अयुद्ध है? अभी तो युद्ध है। अभी मन के इस वन में कितने राक्षस हैं? अब रामायण में किस किस राक्षस का जिक्र किया है आपको मालूम ही होना चाहिए। कि अब ये भी कहोगे कि रामायण भी नहीं पढ़ी, जैसे गीता नहीं पढ़ी। देखिए, पूरे समय पर राम युद्ध करते रहते, राक्षसों को मारते रहते, मारते रहते, मारते रहते, मारते रहते, और संतों से मोहब्बत करते रहते, करते रहते, करते रहते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। 14 साल के वनवास में राम ने किस ऋषि का दर्शन नहीं किया? किस ऋषि का दर्शन नहीं किया? 14 साल वनवासी रह के उन्होंने क्या किया? उन्होंने साधना ही तो की है। एक राम वो जो सीता को ले आते हैं, एक राम हो तुम जिसे यही नहीं पता कि सीता गुम हुई पड़ी। तो जागो राम, जागो, तुम्हें ही राम हो ये पहचानो, तुम ही राम हो, ढूंढो अपनी सीता को जो खो गई है। वो राम ना बनो जो रावण की पूजा कर रहा है, तुम वो राम बनो जो रावण की हत्या करता है, जो रावण को मारता है, और रावण को तो मरना ही पड़ेगा। अगला श्लोक लेते हैं। बाह्येन अनित्य सुखासक्तिम् हित्वात्म सुख निवर्तः घटस्तदीपवस् स्वस्थम् घटस्तदीपवत् शाश्वत शांतंतरेव इव प्रकाशते। बाह्य नित्य सुख शक्तिम, बाहर के सुखों में आसक्ति बनी पड़ी है। हित्वा आत्मा सुखा निर्वृत्तः, ए प्यारे, इन बाहर के सारे सुखों को छोड़, निर्वृत्तः, निवृत्त हो जा। इंद्रिय का गुलाम न रहे, मन का गुलाम न रहे, भोग के पीछे मत जा, भोगवादी मत बन, निवृत्त हो जा, निवृत्त हो जा।
और क्या कर हित्वा आत्म सुखा, आत्म सुख में ही तू तृप्त होना जान। घटास्थ घटास्थ दीपावत शाश्वत। अब यहाँ उदाहरण किसकी आ रही है, यहाँ शंकर उदाहरण दे रहे हैं कि एक जार विच इज ओपेक, मिट्टी का है, कांच का नहीं मिट्टी का है, तो मिट्टी के जार के अंदर हम एक जलता हुआ दीपक रख दें, क्या होगा? उस दीपक की रोशनी से सारा जो वो मिट्टी का बना हुआ जार है वो अंदर से प्रकाशमान हो जाएगा, बाहर से नहीं दिखेगा, क्योंकि मिट्टी का है ना, कांच का तो है नहीं, मिट्टी का है, बाहर से तो दिखेगा नहीं लेकिन अंदर अंदर उसके सारे रोशनी हो जाती है। ऐसे ही शंकर कह रहे हैं, अपने अंदर ज्ञान का ये दीपक जला ले, ये शरीर रूपी तेरा मिट्टी का जार अंदर से जगमग हो जाएगा, ज्ञान का दीपक जगा। अब कोई ज्ञानी है या नहीं है उसके क्या लक्षण, शरीर में कोई लक्षण आ जाएगा क्या, शरीर में कोई चेंज आ जाएगा क्या, कोई दो सिंग निकल आएंगे कि आत्मज्ञानी है? अच्छा, जनक आत्मज्ञानी राजा थे, सुखदेव जी आत्मज्ञानी, पर वो लंगोटी वाले महात्मा हैं। नारद जी ज्ञानी हैं, नारद जी ब्रह्मचारी हैं, याज्ञवल्क भी आत्मज्ञानी हैं पर उनके दो पत्नी हैं। राम आत्मज्ञानी है, एक ही पत्नी है। कृष्ण आत्मज्ञानी है, बहु पत्नियां। तब अगर आप बाहर से देखने लगोगे तो कैसे निर्णय करोगे कौन आत्मज्ञानी है या नहीं? देखो, जब हम राम और कृष्ण को भगवान कह के उनको साइड में कर देते हैं ना, तो हम ये बात कह देते हैं कि वही भगवान थे, हम तो है ही नहीं। वेदांत क्या कह रहा है, जो वो है वही तुम हो। पर वो राम है जो जागृत है, तुम वो राम हो जो सोए पड़े हो। वो राम है जिसके पास आत्मज्ञान है। और थोड़ा तुलसी की रामायण तो पढ़े पढ़े, अच्छी बात है, चलो वो भी पढ़ा, पढ़ो जरूर पढ़ो, पर तुलसी की रामायण पढ़े तो उसके बाद उत्तर रामायण भी पढ़ो। अब ये उत्तर रामायण आपने सुनी, पहली बात होगी। इसी उत्तर रामायण का दूसरा नाम योग वशिष्ठ है, वो पढ़िए, दोनों वाल्मीकि जी ने लिखी, ऋषि वाल्मीकि की देन है। तुलसी जी तो अब हुए, रामायण तो कितनी प्राचीन है। पर अफसोस, राम को ईश्वर मान के राम की भक्ति करने वाला भी उत्तर रामायण नहीं जानता। ये दुख है, ये त्रासदी है इस देश की कि तुम अपने ही इतिहास को नहीं जानते, तुम अपने ही ज्ञान को नहीं जानते, तुम अपने ही शास्त्रों को नहीं जानते। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने उत्तर रामायण लिखी, अर्थात योग वशिष्ठ लिखा। योग वशिष्ठ क्या है, ये राम की ज्ञान की चाह और प्यास और खोज का पूरा ग्रंथ है। राम के त्याग और वैराग, और फिर इतना वैराग्य कि पिताजी को चिंता हो गई कि मेरे बेटे को हो क्या गया है, न खाए न पिए न सोए, कांटा हो गया है, जंगल में बगीचे में कोने में बैठा रहता है, क्या हो गया इसको? तो अपने गुरुदेव ऋषि वशिष्ठ जी को बुलाया कि आप ही आइए, आप ही बात करिए, हमसे तो वो बात भी नहीं कर रहा है, न खाए न पिए, मुझे बड़ी चिंता हो रही। वशिष्ठ जी आते हैं और फिर राम से बात करते हैं और फिर राम जी से चर्चा करते हैं। तो जो राम की जिज्ञासा है, राम के प्रश्न हैं और उनके जो उत्तर हैं जो वशिष्ठ जी ने दिए, वो समूची चर्चा योग वशिष्ठ में।
पर योग वशिष्ठ वेदांत और योग का उत्तम ग्रंथ है, ये बहुत लोग नहीं जानते. इट इज नॉट जस्ट स्टोरी ऑफ राम्स क्वेश्चन, इट इज अ जर्नी ऑफ योग एंड वेदांत. उसे समझने के लिए दोनों दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, दोनों दर्शन आपको आने चाहिए. कैसे आएंगे? जब पढ़ेंगे. कैसे आएंगे? जब स्वाध्याय करेंगे. अब तुम लगे हो नोट छापने, तो ये तुम्हारा चाचा करेगा है? ये कौन करेगा काम? टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, बस यही चलता रहे. जीवन किसके लिए? उसी के लिए टाइम नहीं है. अज्ञान के समंदर में मन डूब रहा है, वो ना उबारो. राग आदि द्वेष आदि राक्षस खा रहे हैं तुम्हें, उसका कुछ ना करो, बैठ के नोट छापो. परिवार खुश कर लो, रिश्तेदार खुश कर लो, दुनिया खुश कर लो. और मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है गुरुदत्त का वो गीत, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या है? इस शरीर रूपी घट में, घट मैंने घड़ा, घट मैंने घड़ा, इस शरीर रूपी घड़े में ज्ञान का दीपक जगा प्यारे. किसका ज्ञान? आत्मा का. आत्मा मैंने मैं, मैं मैंने परमात्मा. देखो क्या ब्यूटीफुल एग्जांपल. In a jar made of clay, put a lamp which is lighted, and the light of this lamp will illuminate all the jar from inside. Inside, not outside, inside. Yagvalk or Narad, ek, dono atmagyani. Janak, Ram, ek, dono atmagyani. अगर ठीक से रामायण पढ़ी होए ना, तो इसमें बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब राम जी विश्वामित्र के साथ, लक्ष्मण के साथ जाते हैं जनक के राज्य में, तो राम कहते हैं, गुरुदेव मेरे चित्त में असीम आनंद हो रहा है कि एक जीवन मुक्त ब्रह्म वेत्ता का हम दर्शन करने जा रहे हैं. ये राम बोलते.